सार्वजनिक अनुमंडलीय दुर्गा पूजा समिति के संरक्षक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विजय कुमार ने सातवां दिन माँ दुर्गा के सातवें अवतार माँ कालरात्रि की कलश स्थापना के साथ पूजा अर्चना की। उन्होंने बताया कि कलश को सभी देव शक्तियों तीर्थों आदि का संयुक्त प्रतीक मानकर उसे स्थापित कर उसकी पूजा की जाती है। कलश में पवित्र जल भरा जाता है, जिसका मतलब होता है कि हमारा मन भी जल की तरह शीतल स्वच्छ एवं निर्मल बना रहे। हमारे शरीर रूपी पात्र हमेशा श्रद्धा संवेदना और सरलता से भरे रहें। इसमें किसी भी तरह की कलुषित भावनाएं क्रोध मोह ईर्ष्या घृणा आदि न पनपे। उन्होंने बताया कि माँ कालरात्रि का ये नाम जानने योग्य और जीवन में उतारने योग्य है। काल का अर्थ है मृत्यु और रात्रि का अर्थ है अंधकार, इसलिए काल रात्रि का अर्थ है काल या समय की मृत्यु। कहा जाता है कि माँ काल रात्रि अज्ञान का नाश करती है और अंधकार में रोशनी लाती है। इस तथ्य का कारण है कि यह अवतार अंधेरे पक्ष को दर्शाता है। महाशक्ति जो कहर पैदा करती है और सभी खराब चीजों को मनुष्य के जीवन से निकाल देती है, महासप्तमी माँ दुर्गा के अन्य रूपों के विपरीत है। मौके पर मुख्य रूप से भाजपा नेता ललन कुमार सिंह, अशोक कश्यप, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रामेश्वर राम सहित अन्य लोग उपस्थित थे। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।